हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से हाजिर हैं हम आप लोगों के सामने लेकर के एक नया टॉपिक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे कि मेरे द्वारा बनाई गई हर एक वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम करने वाले हैं कुछ फॉर्मूले, फॉर्मूले फॉर यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। हमारे ये तीन फॉर्मूले हैं जो कि हम नाइन्थ क्लास के अंदर भी करते हैं, इसलिए आज की जो वीडियो है आपकी नाइन्थ और इलेवेंथ दोनों क्लासेस के लिए ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आगे आप लोगों को बार बार यूज होंगे, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट के अंदर जरूर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट में हम लेकर के चलते हैं कि लेट हम मान करके चले कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ओ से चला ए पर पहुंचता है, तब उसका टाइम जो है टी वन और वेलोसिटी हो जाती है उसकी वी वन, और उसकी जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स वन कवर कर लेता है, और ओ से बी तक जाता है तब तक उसका टाइम जो हो जाता है वो टी टू और वेलोसिटी उसकी हो जाती है वी टू, और डिस्प्लेसमेंट जो कवर करता है वो एक्स टू हो जाती है। स्टार्ट में चला था टाइम जीरो था, ए पे पहुंचा टी वन, बी पे पहुंचा टी टू, और वेलोसिटी ए पर वी वन, वेलोसिटी बी पर वी टू। तो सबसे पहले वाला जो रिलेशन आता है हमारा वो हम करेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसको हम सिंपली वीटी रिलेशन भी बोल सकते हैं। हम जानते हैं अगर हम इसी के अंदर से एसेलेरेशन अगर निकाल लें तो एसेलेरेशन क्या हो जाएगी ऑब्जेक्ट की ए टू बी। हम लिखेंगे एसेलेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी, ए पॉइंट से बी तक निकाल रहे हैं बस हम, ए से बी तक। तो एसेलेरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अगर यहां पे हम करें एसेलेरेशन तो हमारे पास में क्या बन जाएगी? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज क्या हुआ है? तो मैं कर लूं v2 माइनस में v1 हो जाएगा, और टाइम टाइम कितना लिया गया है? अगर t2 में से मैं t1 को माइनस कर दूं तो ये हमारे पास में आ जाएगा टाइम। तो यहां पे एसेलेरेशन आपके पास में लिख लेते हैं a, इसको हम इधर ले आते हैं मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू a t2 माइनस t1। यहाँ पे बन जाती है v2 इज इक्वल टू v1 प्लस a t2 माइनस t1। एक ये इक्वेशन आप लोगों ने ध्यान रखनी है, इसको हम इक्वेशन नंबर वन दे लेते हैं। नेक्स्ट जो आता है इसी से आगे कि अगर हम मान कर चले उसने a से लेकर के चल रहे हैं तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, तो देन v1 हम लेकर के चले कि वो u के इक्वल है, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और अगर v2 हम लेकर के चलें कि वो फाइनल वेलोसिटी v के इक्वल है, और t1 टाइम जो है वो वहाँ से जीरो से स्टार्ट हुआ है t1 से, और t2 जो टाइम है वो t है, तो तब उस केस के अंदर हमारे पास में ये रिलेशन क्या हो जाएगा? देन इक्वेशन वन बिकम्स, तुम्हारे पास में इक्वेशन वन जो है दोबारा से क्या बन जाएगी? v2 की जगह पे रखेंगे v1 की जगह पे u प्लस a, t2 की जगह पे रखेंगे t, और t1 की जगह पे रखेंगे जीरो, तो यहां जीरो हो जाएगा तो t ही रह गया। तो ये इक्वेशन हो जाती है हमारी v इक्वल टू u प्लस ए टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे हम इसके अंदर, जो हम तीन इक्वेशन की बात कर रहे थे उसके अंदर हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन आई है ये आ जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस
एटी। वी यहां पे आपकी फाइनल वेलोसिटी है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है, ओ टी टाइम टेकन है उसके द्वारा जितना टाइम लिया गया है। नेक्स्ट पर अगर हम चलें तो हम लेकर के चलेंगे कि पोजीशन टाइम रिलेशन। यहां पे हम पोजीशन टाइम रिलेशन निकालते हैं। इस इक्वेशन की हमें यूज होने वाली है ये इक्वेशन, आप याद रखेंगे इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो यहां पे करेंगे सेकंड है हमारा पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन। हम मान करके चलते हैं कि ए से बी तक वी ए वी जो है वो एवरेज वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो हम डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे। अब यहां पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट लेकर के चले तो देखो ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई। अगर हम एक्स टू में से एक्स वन को माइनस कर दें तो ए से बी तक की डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। डायरेक्ट लिख लेता हूं मैं एक्स टू माइनस एक्स वन बाई में टाइम, टाइम टेकन कितना था भाई, टी टू माइनस टी वन। ये हमारे पास में आ जाती है वेलोसिटी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आ गई आपके पास में। तो अगर वेलोसिटी से निकालें इसको, इधर मल्टीप्लाई कर लें वैसे ही, एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वी एवरेज और टी टू माइनस टी वन। अगर हम किसी भी चीज का एवरेज निकालते हैं तो एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? एवरेज निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी दो या तीन जितनी भी वैल्यू होती हैं उनका सम करके उतने से उसको डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे एक इनिशियल वेलोसिटी है v1 और एक फाइनल वेलोसिटी है v2, इन दोनों का एवरेज अगर हमें निकालना है तो दोनों को ऐड करके हम टू से डिवाइड करते हैं तो एवरेज आ जाएगा। इट मीन्स कि अगर हम v एवरेज लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। क्या हम ये इक्वेशन इस तरीके से लिख सकते हैं? ये इक्वेशन हमारे पास में आ जाएगी एवरेज के लिए, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास में एवरेज के लिए आ गई। अगर इस एवरेज वैल्यू को अगर मैं यहां पे रखूं x2 माइनस x1 इक्वल टू, यहां पे एवरेज की जगह पे रख दें इसको v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 और ये बन जाएगा t2 माइनस t1, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास में। यहां पे देखो ये v2 की वैल्यू रख लीजिएगा, x2 माइनस x1 इक्वल टू v1 प्लस v2 की जगह पे ये v1 प्लस a t2 माइनस t1 डिवाइड बाय में 2 है और इसके बाहर है आपका t2 माइनस t1। इस तरीके से हमारे पास में ये वैल्यू रखने पे वैल्यू बन जाएगी, बिल्कुल जिस तरीके से पीछे वाले रिलेशन के अंदर हमने किया है वैसे इसमें करेंगे। कि इसको मैं अगर उधर लेकर के जाऊं या फिर इसको यहीं पे रह लें, दो ये देखिएगा ये बन गया 2v1। और अगर जो है इसको मैं इसके नीचे डिवाइड करूं और इससे मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा v1 t2 माइनस t1 और यहां बन जाएगा प्लस में a बाई 2 और ये बन जाएगा t2 माइनस t1 और इसका स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आ जाएगी आपके पास में वैल्यू, यहां पे बन जाता है x2 माइनस x1। अब यहां पे देखिएगा लिमिट क्या रखनी है, आप लोगों ने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, वही बिल्कुल पीछे वाला ही केस है। अगर मान लिया x1 जो जो डिस्प्लेसमेंट थी वो फर्स्ट में है तो यहां पे हम इसको मान ले x0, ये x0 के इक्वल है, x2 जो है वो x के इक्वल है और यहां पे इनिशियल वेलोसिटी v, v की जगह पे u और t2 की जगह पे क्या था t टाइम पे और t1 की जगह पे 0 प्लस a बाई 2 और ये t2 माइनस में t1 वही आ जाएगा इसकी तरह ही t माइनस में 0 और इसका स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है x माइनस x नॉट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर x माइनस एक्स नॉट मीन्स यहां पर हम x मान करके चले हैं, यहां x नॉट मान करके चले हैं तो यहां से यहां तक की एक टाइप में डिस्प्लेसमेंट, एक टाइप में डिस्टेंस कवर्ड है। तो इसको हम लेकर के चलते हैं, दिस इज इक्वल टू
एस, और ये यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। दिस इज द सेकेंड रिलेशन जिसको हम बोलते हैं पोजिशन टाइम रिलेशन। एस इज ए पोजिशन मीन्स डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, और यू इज अ इनिशियल वेलोसिटी, टी इज द टाइम, और हाफ ए इज द एक्सेलरेशन, और टी फिर से टाइम। ये हमारे पास में आ जाता है सेकेंड रिलेशन। आपके लिए पोजिशन टाइम रिलेशन आ जाएगा आपके पास में। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, नेक्स्ट आपके पास में आ जाएगा, सॉरी पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन। यहां से आ जाता है पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजिशन और वेलोसिटी का रिलेशन करेंगे अब हम। देखिएगा, इससे पहले हमने इक्वेशन जो यूज की थी यहां पे, ये थी आपके पास में, ये था आपके पास में वी टू इज इक्वल टू वी वन प्लस ए टी टू माइनस टी वन। अगर मैं यहां से टी टू माइनस टी वन की वैल्यू निकालूं तो ये बन जाएगा वी टू माइनस में वी वन वो इक्वल टू टी टू माइनस में टी वन, और ये आ जाता है इधर ए। अब देखिएगा, ये वैल्यू आ गई आपकी टी टू माइनस टी वन के लिए, ये वैल्यू आ गई आपकी इसमें। अब इस टी टू माइनस टी वन की वैल्यू को मैं यहां पे रखूंगा, देखो इसी इक्वेशन के अंदर रखना है आप लोगों ने, यहां पे रखेंगे। यहां से नीचे वाला मैं साफ कर लेता हूं। तब तक अगर ये वैल्यू हम ये वैल्यू यहां रख देते हैं तो बन जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वी वन प्लस वी टू डिवाइड बाई टू, और ये टी टू माइनस टी वन की जगह पे रखेंगे वी टू माइनस वी वन डिवाइड बाई ए। ये आपके पास में रिलेशन बन जाता है। देखिएगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वी टू स्क्वेयर माइनस में वी वन स्क्वेयर और डिवाइड बाई में टू ए, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाता है। अब आप लोगों को पता है कि ये वैल्यू हमें चेंज करेंगे तो वही जो है, ये आपके पास में एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो ये एक्स नॉट है, और ये आपके पास में फाइनल वी टू तो वी, और ये इनिशियल वी वन तो यू, और ये बन जाएगा टू ए। ये आपके पास में वैल्यू बन जाएगी। तो इसको अगर हम चेंज करें तो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस में एक्स नॉट वैल्यू क्या थी आपके पास में, हम मान करके चले थे इसको एस डिस्प्लेसमेंट जो थी, पोजीशन जो थी, और ये क्या आ गया आपके पास में वी टू माइनस यू टू डिवाइड बाई टू ए, और या फिर आप कर सकते हैं वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए एस। दिस इज द थर्ड रिक्वायर्ड रिलेशन जो कि हमने निकालना था। तो हमारे पास में तीन रिलेशन आ गए आपके जो हमने निकाले हैं, एक तो यही है आपके पास में, और एक यह है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एक ये रिलेशन है आपके पास में, और एक कैसा आपके पास में वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये तीनों रिलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और तीनों ही रिलेशन किस तरीके से हमने ड्राइव किए हैं, यहाँ पे यूनिफॉर्मली स्ट्रेट जो है लाइन मोशन के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम तीनों रिलेशंस को निकाल सकते हैं। अगर इनके अंदर से कोई डाउट रहता है तो मेरे चैनल पर आप कमेंट कीजिएगा, मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर के आप लोगों को उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।